हेलो गाइस, वेलकम टू टीसीडी। आज हम लोग सीखेंगे 3D कॉफी मग मॉडलिंग। पहले हम लोग रेफरेंस इमेज ले लेंगे फ्रंट व्यू में जाके। रेफरेंस इमेज को थोड़ा स्केल अप कर लेंगे और इसे थोड़ा सेंटर में ले आएंगे कप को। पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बैक में स्लाइड कर देंगे, फिर लेयर पैनल में क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड और इसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट और फिर रेफरेंस इमेज। इसमें इमेज सिलेक्ट नहीं होगी मॉडल करते टाइम बीच में। अब हम लोग एक सिलेंडर ले लेंगे फ्रंट व्यू में, कप के हिसाब से स्केल कर लेंगे फिर थोड़ा। नीचे की भी वर्टेक्स पकड़ के नीचे थोड़ा स्लाइड और स्केल डाउन थोड़ा सा। यहाँ से सबसे बीच वाली वर्टेक्स पकड़ के कंट्रोल से टू फेसेस, फिर हम फेस को एक्सट्रूड करेंगे, नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्केल डाउन, सारी वर्टेक्स पकड़ के थोड़ा सा ओवरऑल स्केल अप कर देंगे मास्क के अकॉर्डिंग। इस एज को पकड़ के बेवल कर देंगे, फिर एज लूप दे देंगे मग के हैंडल्स के लिए। फिर मग के फेसेस को सेलेक्ट करेंगे जिस साइड से हमें हैंडल को बाहर निकालना है, उसे एक बार परस्पेक्टिव में चेक कर लीजिए। उससे पहले वर्टिसेस सेलेक्ट करके थोड़ा सा डाउन कर दीजिए ताकि ये सर्कल का लुक दे थोड़ा। और ऐसे ही नीचे की दोनों साइड की वर्टिसेस पकड़ के थोड़ा सा आप मूव करेंगे। फिर वापस फेसेस को सेलेक्ट करिए फ्रंट व्यू से, इन्हें एक्सट्रूड कर लीजिए। एक्सट्रूड करके स्ट्रेट हल्का सा रोटेट कर लीजिए हैंडल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, हल्का सा स्केल डाउन। एक्सट्रूड अगेन, स्केल डाउन। ये सेम प्रोसेस पूरे हैंडल के लिए करिए। अगेन एक्सट्रूड बट स्केल डाउन। एक्सट्रूड अगेन, हल्का सा रोटेट कर लीजिए हैंडल के कर्व के हिसाब से। एक्सट्रूड स्केल डाउन,
एक्सट्रूड अब इस फेवरेट पॉइंट को रिसेट करेंगे और इस वर्टेक्स पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हल्का सा स्केल करेंगे डाउन। तो इधर थोड़ा अंदर फिर से रिसेट करा अगेन एक्सट्रूड अब ये वुडन वाला पार्ट बनाएंगे ओवरऑल इसे थोड़ा एक्सट्रूड करके स्केल अप करेंगे। एक्सट्रूड आर टू स्केल सेंटर से स्केल करिएगा स्केल पर्सपेक्टिव में चेक कर सकते हैं आप ये। एक्सट्रूड अगेन मूव डाउन से हल्का सा स्केल डाउन कर लेंगे ये एज को पकड़ के बेवल दो सेगमेंट थोड़ा सा फ्रैक्चर कम 0.4 फ्रैक्चर बनाएंगे मक्का। हमारा बेसिक मॉडल कंप्लीट हो गया है इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। वर्टेक्स पकड़ के टू फेसेस फेस सारा सेलेक्ट करेंगे सेंटर के एक्सट्रूड करेंगे बीच में स्केल करिए थोड़ा सा हम इसे एक्सट्रूड एक और बार और मूव डाउन नीचे ला के हम तो स्केल कर देंगे हमारी वर्टेक्स के हिसाब से। एक और बार एक्सट्रूड करेंगे ताकि अंदर कर्व दिखे। एक और बार बस अभी रहा अंदर से काफी इतना। ये हमारा कप का बेसिक मॉडल रेडी हो गया है अब इसे हम स्मूथ कर लेंगे पहले इसे डिलीट कर देंगे मैच में स्मूथ कर लेंगे ज़्यादा स्मूथ नहीं करेंगे डिवीजन वन बस। कप का बेसिक लुक रेडी हो गया है ये एरिया पर एक बार एज बेवल कर देंगे थोड़ा हार्ड करने के लिए उसे ये यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है पर हार्ड एजेस हो गई है इनकी फिर सॉफ्ट कर देंगे फेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब इस पर हम नया मटेरियल असाइन कर देंगे जिससे हमारा बेसिक टेक्सचर टाइप हो जाएगा ये ब्लेंड। ओवरऑल क्लब को हम थोड़ा ब्लैक कर देंगे ब्लैक कलर में और ये वुडन हैंडल को इसके फेसेस सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए सारे और इन पर हम दूसरा मटेरियल असाइन कर लेंगे सेकेंड ब्लेंड थोड़ा सा वुड का कलर की तरह से हमारा मैग अब मॉडल हो चुका है। ये हल्का सा थोड़ा सा थिन है इसे अंदर के फेसेस को सिलेक्ट करके
एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, रीसिलेक्ट कर लेते हैं, अंदर के सारे फेसेस को सिलेक्ट करके हल्का सा स्केल कर लेंगे। चेक कर लेना कि और के फेस सिलेक्ट नहीं हुए। एक बार आइसोलेशन मोड में भी सही फेस सिलेक्ट हुआ है, यानी ये जैसे एक फेस यहाँ का सिलेक्ट हुआ था, सही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हम हल्का सा थोड़ा स्केल कर लेंगे। स्केल कर लिया थोड़ा और अभी से थोड़ा सा अपने मूव कर लेंगे। चेक कर ले एक बार सही है यानी। ठीक है, ये हमारा कप कॉफी मग मॉडलिंग कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।